हरे कृष्णा। एक बार एक छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से बड़ा किया गया। तो जब वो थोड़ा बड़ा हो गया, एक दिन वो अपने कमरे में रात को गहरी नींद में सो रहा था। जब सुबह हुई, सुबह मतलब वो नहीं उठा जल्दी, तो लगभग 12 बज चुके थे। तो उसके पेरेंट्स ने उसका, क्योंकि रूम अंदर से लॉक था, उसके गेट को खटखटाना शुरू किया उसको जगाने के लिए। तो वो नहीं जाग रहा था। फाइनली वो जागा और वो गुस्से में चिल्लाने लगा। उसने उस समय गेट नहीं खोला था। उसने बोला कि मुझे आधी रात को क्यों जगा रहे हो, अभी तो सुबह नहीं हुई है। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि 12 बज चुके हैं, ऑलरेडी सूरज जो है सर के ऊपर है। तो उसने बोला कि अगर सूरज सर के ऊपर है तो उस सूरज की रोशनी को बोलो कि वो अपने आप मेरे कमरे में आए। तो उन्होंने उसको बोला, उसके माता पिता ने, कि तुम अपने गेट को खोलो और सूरज की रोशनी अपने आप तुम्हारे कमरे के अंदर आ जाएगी। तो इसी प्रकार से कई बार हम लोग अपने जीवन में, अपनी लाइफ में, अलग अलग समय पर हम भगवान के एग्जिस्टेंस को नकार देते हैं या भगवान का जो ज्ञान है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। फिर हम भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि भगवान हमें इतना दुख क्यों देते हैं, भगवान हमारे ऊपर दयालु क्यों नहीं है। तो कृष्णा सुरेशम माया है अंधकार, जहाँ कृष्णा तहाँ नहीं मायार अधिकार। कृष्णा सुरेशम, यानी कि कृष्णा किसके समान है? सूर्य के समान है। माया अंधकार के समान है। जहाँ कृष्णा, यानी कि जहाँ पर भी कृष्ण होंगे वहाँ पर कभी भी माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो जहाँ पर भी सूर्य की रोशनी होगी वहाँ पर कभी भी अंधकार नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जहाँ पर भी भगवान कृष्ण के द्वारा दिया गया ज्ञान होगा वहाँ पर कभी भी अंधकार नहीं हो सकता, कभी भी अज्ञानता नहीं हो सकती। सो हमें भगवान को अपने जीवन में इंटरफेयर करने का एक मौका देना है। तो जब तक हम भगवान को मौका नहीं देंगे तब तक भगवान वेट करेंगे। जैसा कि अभी हमने उस एग्जाम्पल में देखा, वो बच्चा वेट कर रहा है कि रोशनी मेरे कमरे में आए, पर रोशनी कमरे में कब आएगी? जब बच्चा गेट को खोलेगा। तो इसी प्रकार से हम वेट करते हैं कि भगवान जब चाहेंगे तब हम भक्ति कर लेंगे, या भगवान हमारे ऊपर दयालु नहीं है, भगवान की कृपा अभी हमारे ऊपर नहीं है। भगवान की कृपा सबके ऊपर है। प्रश्न ये है कि क्या हम उस कृपा को लेना चाहते हैं? क्या हम भगवान के ज्ञान को समझने के लिए तैयार हैं? क्या हम भगवान के मैसेज को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? तो ये हमारे हाथ में है। अगर हम एक कदम बढ़ाएंगे तो भगवान अपने आप हमारे जीवन में 10 कदम बढ़ाएंगे, बट एक कदम हमें बढ़ाना होगा। एंड कई बार भगवान अपनी अहेतुकी कृपा के वश में आकर स्वयं कदम बढ़ाते हैं और भगवान हमें अपॉर्चुनिटीज देते हैं जिससे कि हम सभी लोग इस संसार के दुखों से निकल सकें, हम भगवान की कृपा का अनुभव कर सकें, हम भगवान के द्वारा दिए हुए ज्ञान को अपने जीवन में उतार के एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। परंतु फिर भी हम सब लोग समय समय पर उन सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अपॉर्चुनिटीज जीवन में बार बार नहीं आती। मनुष्य जीवन बहुत छोटा है और इसका सदुपयोग करना बहुत आवश्यक है, और इसका सदुपयोग करना हमारे ही हाथ में है। सो आज की इस वीडियो का फाइनल मैसेज है कि भगवान कृष्ण को अपने जीवन में लेकर आइए और अपने जीवन से अंधकार को हटाइए, अज्ञानता को हटाइए, देन हमारा जीवन सक्सेसफुल है। थैंक यू वेरी मच।